नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी संघ अब भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर काम करेगा। संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा मध्य प्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी संघ को अपनी संबद्धता प्रदान की गयी है। इसके लिए हम भारतीय मजदूर संघ और ट्रेड यूनियन की मध्य प्रदेश इकाई के महामंत्री और अन्य सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि संघ कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ इस ध्येय वाक्य में विश्वास करता है कि देश के लिए करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। इस अवधारणा के साथ काम करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मंत्रालय में एक नई कार्य संस्कृति विकसित करने एवं मंत्रालय कर्मचारियों की विगत काफी समय से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण में सफलता प्राप्त करेंगे। भारतीय मजदूर संघ और मंत्रालय कर्मचारी संघ का गठबंधन भविष्य में मंत्रालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान, भत्ते और अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण के ही मंत्रालय को एक नई दिशा देगा। मुख्य जो बिंदु है वो ये अवगत कराना था कि मध्य प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ आज से जो हम घोषणा ये करना चाह रहे हैं कि भारत के सबसे ट्रेड यूनियन, सबसे मजबूत ट्रेड यूनियन जो है भारतीय मजदूर संघ, उससे संबद्ध हो गया है और हम इसके लिए भारतीय मजदूर संघ के आभारी भी हैं कि इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन है उसने हमें अपने से संबद्ध किया। और निश्चित रूप से वो ट्रेड जो यूनियन है वो श्रमिक और कर्मचारियों के हित में बहुत दिनों से और 1969 के लगभग से काम कर रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तो हमें ये करना था। दूसरा ये है कि जो हमारे मंत्रालय के कर्मचारी संघ की जो समस्याएं हैं, कर्मचारी की जो समस्याएं हैं पिछले कई, मतलब कोई समस्या तो 10 साल पुरानी भी है, 5 साल पुरानी भी है, और ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिससे कि शासन का कोई अधिक पैसा खर्च होना है। मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण अंग की समस्याओं का अगर निदान नहीं हो रहा है तो ये एक संदेश प्रदेश स्तर पर गलत जाता है कि भाई वो जब वहीं की समस्या हल नहीं हो रही तो हमारा क्या होगा। तो मध्य प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ की जो ये 7-8 हमारी मांगें जो हमने महत्वपूर्ण लिख के दी है, उसके निराकरण के लिए हम आगामी जो आंदोलन या धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, सब कार्रवाई जो कर रहे हैं वो, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की मांगों के लिए हर स्तर पर मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, अपर सचिव जीएडी और उसके बाद रमेश चंद शर्मा जो हमारे राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हमने पूरी बातें शासन के समक्ष पहुंचाई है। लेकिन मुझे, हमें ऐसा लगता है कि सरकार के में बैठे कुछ अधिकारी उन मांगों के अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। जो मांग मंत्रालय भत्ते की मांग है हमारी, पिछले 5 साल से हमारे मूल सूचकांक के आधार पर मंत्रालय भत्ता नहीं बढ़ा, हमारे मंत्रालय की ब्रह्मस्वरूप समिति के आधार पर 2400 ग्रेड पे नहीं हुई, हमारे अनुभाग अधिकारी और निज सचिव का जो वेतन मान था वो कैबिनेट, मतलब निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कैबिनेट में रखा जाए 2013 के बाद से अभी तक लंबी थी, मतलब उसमें नगण्य है। कुछ 150-200 लोग हैं जिनको ये वेतनमान मिलना है। हमारे तृतीय समयमान स्टूडेंट आईपीएस का एक था जो कैबिनेट स्तर पर जाकर फिर रुक गया। तो हम ये चाहते हैं कि भैया हमारी अगर जायज मांगे हैं तो उन जायज मांग की सरकार शीघ्र पूर्ण करे, तो हम अपने, मतलब जो अगर कार्य पूर्ण होगा तो आंदोलन से बचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मंत्रालय कर्मचारी संघ की पूरी मांगे, आवास की समस्या है, 2400 ग्रेड की समस्या है, इन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समस्या रखी थी, आपके समक्ष हम आए हैं कि आपके माध्यम से भी शासक को यह अवगत हो कि अब हम ज्ञापन और वार्ता के बाद हम अपने आंदोलन की रणनीति शीघ्र घोषित करेंगे। समय सीमा तय की गई ना कि हम यह भी, यह आज आपकी प्रेस वार्ता के बाद हम सभी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.